हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं ताकि एक दिन हम अपने सपनों को पूरा कर पाएं। लेकिन डिग्रियां लेने के बाद हम आज क्या कर रहे हैं? हम अपने अमूल्य समय को कुछ चंद पैसों के लिए दूसरों को बेचकर उन्हें अमीर बना रहे हैं। क्या 9 से 5 की इस दिनचर्या में हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? अपने आप से पूछिए, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी सोचते हैं कि आपकी जॉब आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है, और यदि आप भी वो रास्ता जानना चाहते हैं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए, तो बर्क हेजेस द्वारा लिखी गई बुक हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम आपके लिए ही लिखी गई है। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। ऑथर बर्क हेजेस जैसे ही अपने घर में घुसे, उन्होंने अपने ताले को खोलने की जैसे ही कोशिश की, तो उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ मानो कोई बहुत बड़ी अनहोनी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे बहुत घबरा गए और जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। उनके घर का सारा सामान गायब था। वे अंदर से बहुत डर गए और इस घटना को वे सारी जिंदगी नहीं भुला पाए। ऐसी स्थिति में उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, यदि किसी के घर में उसके सारे सामान की चोरी हो जाए, तो उसकी हालत क्या होगी, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि यदि किसी का सपना ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि आप ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा सपना कहीं चोरी हो गया है। कोई है जिसने हमारे सपनों को चुरा लिया है। कुछ लोगों ने आज हमारे सपने, हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है, और हमारा सपना हमेशा की तरह आज भी एक सपना ही है। ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि इसको पाने का जो रास्ता हमें बताया गया है, वो आज पूरी तरह से फेल है। क्या केवल डिग्री हासिल करना हमारा सपना है? आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पढ़ाई करने के बाद अपने मनपसंद क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 या 10 सालों से एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं? शायद कोई भी नहीं, या फिर बहुत ही कम। क्या हमारी नौकरी हमें हमारी काबिलियत के बराबर भुगतान कर रही है? नौकरी करते हुए क्या हम फाइनेंशियली फ्री और आत्मनिर्भर हो पाएंगे? आखिर कब तक हम अपना टाइम बेचकर दूसरों को अमीर बनाते रहेंगे और खुद पिसते रहेंगे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च के अनुसार लोगों को दिल के दौरे पहली बार अधिकतर मंडे 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही पड़ते हैं। इसका मतलब है कि वीकेंड के बाद लोग वापस काम पर जाने का प्रेशर फील करते हैं। जॉब में सिक्योरिटी की बात तो अब हम भूल ही जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। यदि आप अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो 90% स्मॉल इंडस्ट्रीज 1 साल से पहले ही बंद हो जाती हैं, और बाकी बचे हुए में से 80% अगले 5 सालों में बंद हो जाते हैं, और बाकी के 80% अपना एक दशक भी पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब यहां शुरू करते समय आपकी सक्सेस के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा भी अपने सपनों को पूरा करना आज संभव नहीं लगता है। तो फिर आज कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है? दोस्तों, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर काम को करने के बेहतर और नए रास्ते खुल रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले जहां किसी विचार को फलने फूलने और पनपने के लिए 50 साल लगते थे, आज वह 5 साल से में ही संभव हो जाता है। एग्जाम्पल, रेडियो को 5 करोड़ श्रोताओं तक पहुंचने में 38 ईयर्स का लंबा टाइम लगा, जबकि टीवी मात्र 13 ईयर्स में ही यह मुकाम हासिल करने में सफल रहा, और इंटरनेट ने तो इसे हासिल करने के लिए सिर्फ 4 साल का ही समय लिया। ऑथर कहते हैं कि समय तेजी से बदल रहा है, और साथ ही बदल रहे हैं बिजनेस के प्रकार, बिजनेस की टेक्निक्स, बिजनेस के मॉडल और बिजनेस करने के तौर तरीके, जिससे बदलाव के इस दौर में नई चुनौतियों, नई टेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल बिजनेस अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसा न करने के कारण अनेक ऐसी कंपनियां जो किसी जमाने में मार्केट में राज करती थी, आज मार्केट से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। जैसे यदि 1980 से पहले यदि कोई आदमी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर कंपनी का मालिक होता, तो उस समय का वो सबसे रिचेस्ट पर्सन होता, लेकिन आज वो बिजनेस से पूरी तरह बाहर है। दोस्तों, आज भी विश्व के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई तकनीक अपने चलन से बाहर होने के कगार पर अवश्य होगी। समय तेजी से बदल रहा है। यदि आप बदलाव की इस आहट को आज नहीं देख पाए, तो यह तय है कि भविष्य में आप मीलों पीछे छूटने वाले हो, जहां आप इससे कदम से कदम नहीं मिला पाओगे। जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, क्या आपको लगता है कि वो कभी फिर से शुरू हो पाएंगी? नौकरियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। हर साल हजारों लाखों कर्मचारियों की छंटनी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है, ये सब आगे चलकर खत्म हो जाएगा? जी नहीं, आगे और भी कर्मचारी अपनी नौकरी को गंवाएंगे।
आज कंपनियां परमानेंट स्टाफ न रखकर अपना मैक्सिमम काम आउटसोर्स कर रही हैं, ताकि उनके टॉप लेवल पर बैठे लोग हमेशा पैसे बनाते रहें, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब वहीं का वहीं है। और तक कहते हैं तो फिर इसका जवाब क्या है? आखिर क्या है जो हमें हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए हेल्प करेगा? क्या ऐसा कुछ है जिससे हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं? जी हाँ, इसका एक ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे आप MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस मॉडल है जो आपको खुद का बॉस बनाएगा। ये वो भविष्य है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। आने वाले टाइम में या तो आप इसे कर रहे होंगे, या लोगों को इसे करते हुए देख रहे होंगे, या फिर ये सोचकर पछता रहे होंगे कि मैंने इसे उस समय स्टार्ट क्यों नहीं किया। ऑथर कहते हैं कि मेरा सपना भी चुरा लिया गया था, मेरी जेब खाली थी, मैं डरा हुआ था और अंदर से टूटा हुआ था, मेरे बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, और न कोई छुट्टी थी, न कोई इंटरटेनमेंट था, बस दिखाई दे रहा था तो बस एक अंधकार में भविष्य, क्रोध से भरा हुआ, लाचार और मजबूर। उसी दौरान मुझे MLM के बारे में पता चला, लेकिन जैसे कि सभी लोग MLM को शक की निगाह से देखते हैं, ठीक उसी तरह मैंने भी इसे शक की दृष्टि से देखा। मुझे ये सब एक झूठ लगता था, मुझे लगता था कि ये भी पिरामिड की तरह एक घोटाला है। फिर मैंने सोचा कि इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। मैंने इसे बारीकी से समझना और सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग ये वो चीज़ है जो मुझे मेरे सपनों तक पहुंचा सकती है। मैंने देखा कि ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है जिसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें लोग मेरी मदद के लिए भी तैयार थे। मैं इसके द्वारा अपना जीवन तो बदल ही सकता था, अपने साथ लाखों लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकता था। सच तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही हम सभी का फ्यूचर है, जो हमें आर्थिक आज़ादी और आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखता है। हमारे सपने, यदि लोगों से पूछा जाए कि आपका सपना क्या है, तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। हम में से मैक्सिमम लोग लाइफ में फ्रीडम और सिक्योरिटी चाहते हैं। हम सभी एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हैं जिसमें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली शामिल है। हम अपने साथ दूसरों की भी हेल्प करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में हर चीज़ के बारे में अपना मन मार कर रह जाते हैं, क्योंकि हमारी सीमित आय हमें अपने सपनों के हिसाब से जीने की परमिशन नहीं देती। हम आज अपना सपना भूल चुके हैं, हम अपने सपने को, उम्मीद को खो चुके हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम में से अधिकांश लोग उन जॉब्स पर रोज जा रहे हैं जिसे हम पसंद ही नहीं करते हैं। इसका कारण है असुरक्षा। हमें डर है कि यदि हमारी जॉब चली गई तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे चला पाएंगे। इसलिए न चाहते हुए भी हम उस जॉब से हमेशा के लिए चिपक जाते हैं जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूं। मेरी लाइफ बहुत बुरे दौर में जा रही थी, लेकिन मैं नौकरी छोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जानता था कि मेरी नौकरी मेरी योग्यता के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस पर ही डिपेंड था। आपके सपनों का क्या? क्या आप अपनी मनपसंद लाइफ जी पा रहे हैं? क्या आपको वो हासिल हो चुका है जिसका सपना आपने बचपन में या स्कूल कॉलेज में देखा था? क्या आपकी कंपनी वर्षों की आपकी मेहनत के लिए आपको सम्मानित करती है? क्या आप सही समय पर अच्छी अमाउंट के साथ रिटायर हो पाएंगे? जब आप रिटायर हो जाओगे तो आप अपने परिवार के साथ आनंद से भरा हुआ जीवन जीने के लिए पैसा कहां से लाओगे? दोस्तों, यदि हम सबको अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें बस एक ऐसी गाड़ी की जरूरत है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे, और उस गाड़ी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब सीखते हैं पिरामिड योजनाओं के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पिरामिड स्कीम है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मल्टी लेवल पिरामिड एक ऐसा ढांचा है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बिजनेस, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सक्रिय है, उसका ढांचा एक पिरामिड की तरह होता है जिसका आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। सरकारें भी एक पिरामिड की ही तरह होती हैं, जिनमें सरकार सेवाओं को नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूट करती है और हम अपने वोटों के द्वारा इस नेटवर्क को स्ट्रांग बनाते हैं। इसी प्रकार मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे की ओर करती हैं, और हम नेटवर्क को धन की शक्ति के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं। जैसे सरकार, शिक्षा और धार्मिक संस्थाएं भी एक पिरामिड ही हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पिरामिड है। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, जनरल मोटर्स, रेल, डाक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, दूरसंचार आदि नेटवर्क मार्केटिंग का ही उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की आत्मा है। इसे अच्छा या बुरा बनाना इसमें शामिल लोगों के हाथ में है। जैसे टेक्नोलॉजी को यदि आप सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपके लिए एक वरदान है,
लेकिन यदि इसका प्रयोग विनाश के लिए किया जाए तो यह एक श्राप बन सकता है। ठीक उसी प्रकार मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग खुद में अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग इसे अच्छा या बुरा बनाता है। आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, अवैध पिरामिड और वैध पिरामिड। पहले बात करते हैं अवैध पिरामिड की। ये पैसा बनाने वाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें पिरामिड के नीचे की ओर जुड़े लोग पैसा कमाने की उम्मीद से पैसा लगाते हैं, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोग उस पैसे का उपयोग खुद को अमीर बनाने के लिए करते हैं। आपने पोंजी स्कीमों का नाम तो सुना ही होगा। इनका नाम पड़ा एक इटली प्रवासी कार्लो चार्ल्स पोंजी के नाम पर। 1920 से पहले पूरे विश्व के डाकघर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जारी किया करते थे, जिनकी अदला बदली पूरे विश्व में कहीं पर भी डाक टिकटों के रूप में की जा सकती थी। पोंजी इन कूपनों को महंगे देशों से खरीदता था और सस्ते देशों में बेचकर उससे बहुत पैसे कमाता था। पोंजी ने अपनी एक कंपनी बनाई और $150 के लाखों कूपन छपवा दिए। वे लोगों को इन्हें $100 में बेचता था और लोग इन्हें 90 दिनों के बाद $150 में बेचकर 50% का प्रॉफिट कमाते थे, जबकि उस समय बैंक का इंटरेस्ट रेट भी 4% का था। धीरे धीरे पोंजी ने 90 दिनों का समय घटाकर 45 दिन कर दिया। पोंजी खूब अमीर होता जा रहा था, लेकिन 1920 में जब पोंजी की पोल खुली तो पता चला कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन अब बंद कर दिए गए हैं और पोंजी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बस इधर से उधर घुमा रहा था। वो नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर उससे पुराने इन्वेस्टर्स को भुगतान कर रहा था, जबकि उसे कभी $100 से ज़्यादा के कूपन उसने कभी कभी खरीदे ही नहीं। पोंजी को इस धोखाधड़ी के लिए 9 साल की सजा हुई, जिसके बाद उसने जमानत ली और फ्लोरिडा चला गया। वहां उसने फिर जमीन घोटाला किया और फिर पकड़ा गया। आखिर में उसे इटली भेज दिया गया, जहां 1941 में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं वैध पिरामिड योजनाओं की। ऑथर कहते हैं कि जो काम अवैध पिरामिड योजनाओं में कोई व्यक्ति करता है, वही काम लगभग वैध पिरामिड योजना में सरकारें करती हैं। सरकार की ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं जो पिरामिड की तरह काम करती हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना भी एक विशाल पिरामिड योजना है, जिसमें आप इस उम्मीद के साथ आज अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो ताकि रिटायर होने के बाद वे आपको आपके मरने तक सामाजिक सुरक्षा का लाभ दे सकें। अब ये भी एक सवाल है कि आखिर जो पैसा हम सामाजिक सुरक्षा या मेडिकल सर्विसेज टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो कहाँ जाता है। ये पैसा उन्हें दे दिया जाता है जो आज सामाजिक सुरक्षा पाने के हकदार हैं, रिटायर, शारीरिक रूप से अपंग हैं। इसके बाद जो भी पैसा बचता है वह आम बजट में चला जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार नए इन्वेस्टर से पैसा लेती है और पुराने इन्वेस्टर्स को लौटाती है। इस प्रकार ये एक वैध पिरामिड है, जहां सरकार की इसमें भागीदारी है। सारी पिरामिड योजनाओं से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि शीर्ष पर बैठे लोग और अमीर होते जाते हैं और नीचे वाले लोग अपने पैसों को खोते चले जाते हैं। आज एजुकेशन फीस और मेडिकल फैसिलिटीज आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती चली जा रही हैं, लेकिन जरा सोचिए कि आखिर इतनी महंगी सेवाओं में से ये पैसा कहाँ जा रहा है। जवाब है सिर्फ कुछ अमीरों की जेब में। दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी आज हमारे सपनों को पूरा करने में लगभग नाकाम रहे हैं। हमारी डिग्रियां हमें आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाने में विफल साबित हो रही हैं। ऐसे में जरूरत है हमें एक ऐसी व्यवस्था ढूंढने की जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सके। ऑथर कहते हैं कि अधिकांश युवा इस भ्रम में जीते हैं कि स्कूल कॉलेज से निकलते ही उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिससे वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन आप बताइए, क्या ऐसा संभव है? ऑथर यहाँ एक कहानी बताते हैं। एक आदमी मरने के बाद यमलोक पहुंचता है। वहां उससे कहा जाता है कि वो स्वर्ग या नर्क में से किसी एक को चुन ले। वो यमराज से कहता है कि मुझे एक बार दोनों को देखना है, तभी मैं कोई फैसला लूंगा। यमराज के कहने पर पहले उसे स्वर्ग दिखाया जाता है। वहां उसने देखा कि वहां शांति है, लोगों के चेहरों पर संतुष्टि का भाव है, ये बहुत सुंदर था। फिर उसे नर्क ले जाया जाता है। वहां उसने देखा कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन और साथ में मदिरा भी उनके पास है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब देखकर उसने कहा कि मुझे नर्क में रहना है। यमदूत ने उसे याद दिलाया कि वो सिर्फ एक बार ही चुनाव कर सकता है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे नर्क ही चाहिए। यमदूत ने ताली बजाई और देखते ही देखते सारा दृश्य बदल गया। नाच, गाना, खाना, मदिरा सब गायब हो गए और वह आदमी अब जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसके चारों ओर आग के शोले धधक रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया है।
उसे दूसरी पीड़ित आत्मा ने समझाया कि अब तुम फंस चुके हो, जो तुमने पहले देखा था वो सिर्फ एक विज्ञापन था। इस कहानी का सार यही है कि हम भ्रम में जी रहे हैं, हम इस दौड़ में चल रहे हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए एक के बाद एक डिग्री लूं, लेकिन जब उन डिग्रियों को लेकर हम बाहर निकलते हैं तो हकीकत से हमारा सामना होता है। नौकरियों में आज सुरक्षा समाप्त हो चुकी है। जो लोग आज नौकरियों में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं वे अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।